हमारे साथ डायरेक्टर हैं फवाद ख्वाजा साहब, जिन्होंने ये सारी क्रिएशन की है यूनिवर्सिटी की। तो आइए हम ख्वाजा साहब से इनके बारे में पूछते हैं कुछ। ये 5 साल पहले फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया था। ये इंडस्ट्रियल ट्रायंगल के लिए गुजरांवाला गुजरात एंड सियालकोट का जो इंडस्ट्रियल ट्रायंगल है, स्मॉल इंडस्ट्रियल ट्रायंगल, उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर बनाया गया था, जिसमें के प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है, ये रोज़मर्रा की चीज़ों की प्रोडक्ट्स जो है, जो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सड़कों पे, जहाज़ में, बाकी जगहों पे, सारी ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच इज़ बिल्ट हैज़ टू बी डिज़ाइन। पहले उसका डिज़ाइन होता है, तो उसका पाकिस्तान में कोई ऐसा ख़ास अदारा कोई नहीं था। और हमारे पास वो 64 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया हुआ था कि यहाँ पे जो चीज़ें बनेगी उनको डिज़ाइन कौन करेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें बाज़ार से लेके, फ़ौरन से लेके, आराम से बैठ जाते हैं पैसे लेके, तो हमें बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और जहाँ पे जो बन रहा है वो इतनी लो क्वालिटी है और इतना डेंजरस है इस्तेमाल के लिए कि उसकी तरफ किसी का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा था। और क्योंकि मैंने यहाँ भी पढ़ा हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में, और उसके बाद अमरीका से प्राइड इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया हुआ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, और न्यूयॉर्क में मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर अबाउट 37 ईयर्स। सो जब एक चांस मिला यहाँ पे एक स्कूल बनाने का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नई पे, सो आई जंप्ड एट द चांस एंड आई टुक द हेल्म ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अब ये 5 साल लगे हैं इसको, 5 साल बाद पहले ग्रेजुएटिंग क्लास जो है ना वो ग्रेजुएट कर चुकी है प्रोडक्ट डिज़ाइन में, और उनका ये काम है। ये 19 स्टूडेंट हैं जो कि 28 स्टूडेंट टोटल ग्रेजुएट कर रहे हैं, लेकिन बाकी थोड़े 9 जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से लेट हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान बेस्ड के एडवांस डिज़ाइन जो होना है, और वो एसोसिएट करेंगे हम जो पाकिस्तान का है एक प्लान जो है विजन पाकिस्तान 2030, कि होपफुली उन दिनों में पाकिस्तान की हालत ये हुई होगी कि हम ये ऐसे प्रोजेक्ट, प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट जो है वो कर सकेंगे। ये बेसिकली इट्स रेडी, ये जो इनका प्रोजेक्ट है, दे आर ऑल नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ये कोई चमचियाँ या कुर्सियाँ या बाइसिकल डिज़ाइन नहीं हो रहा, वो भी होना है, वो भी होता है, जो कि इन्होंने सबने सीखा हुआ 4 साल में। सो अब जो है वो मैं आपको शुरू करवाऊँगा बेसिकली एक जगह से कि पहला प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से किस ईयर में आपने स्टार्ट लिया इसका? यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे मेरे ख्याल में 2004 में उसकी बिगिनिंग्स हुई हुई हैं प्लानिंग की। तो ये कैसे आपका जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी जो है ये इस तरह की होनी चाहिए, ये सब कुछ इस एरिया में डिज़ाइन करने का? एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो पहले चौधरीओं के ज़माने में उनके माने उन्होंने प्लान किया हुआ था, एलोकेट किए हुए थे। मैं 2006 में एंड 2007 अर्ली में यहाँ पे आया। अगर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो तो ये एक असेंशियल पार्ट यूनिवर्सिटी का ये भी होना चाहिए, जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारी दुनिया प्रैक्टिस कर रही है। right.
चाइना अभी 12,000 प्रोडक्ट डिजाइनर्स यानी इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स प्रोड्यूस कर रहा है साल पर ईयर, पर ईयर 12,000, 293 उनके ऑफ स्कूल डिजाइन के। दिस इज द फर्स्ट एफर्ट, होपफुली इट वर्क, अभी तक तो काम कर रहा है एंड पीपल आर गोइंग। अभी पहल से लोग आए हुए सारे, वो लेके चले गए, वो कहते हैं हमें जितने डिजाइन दे सकते हो आप दोगे। वो पहले से वो एल जी भी है ना, एल जी एंड पहल कंबाइंड है, तो उनको होम अप्लायंसेस की सारी डिजाइनिंग चाहिए होगी। बाकी ऑटोमोटिव डिजाइन हो रहा है, ऑटोमोटिव बना के आ रहे हैं सारे, उनके हेल्प करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से चाहिए, जो कि अभी जो बाहर से आता है वो हम ले रहे हैं सारी की सारी। सो होपफुली विल बी एड्रेसिंग टू द नीड्स ऑफ पाकिस्तान इन डिज़ाइन एंड इन प्रोडक्ट्स, जो हमें चाहिए वो ये काम करेंगे बच्चे।